लगता है किसी ने उड़ा दिया इनको। देखिए चल। हरामजादे, आज तक समझता था कि तू बच्चा है, डांट दूंगा तो समझ जाएगा, मगर आज तूने हद कर दी। तुझे वो कीमत चुकानी पड़ेगी कि आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। प्यार की कीमत आटे दाल के तराजों में रखकर नहीं तोली जाती मेहरा साहब, सूली पर चढ़कर आंख ही जाती है। इस बार तो आप हमें रोकने में कामयाब हो गए, लेकिन जब तक हमारी जान में जान है हम एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते रहेंगे। कोशिश तो तब करोगे बच्चू जब तुम्हारे हाथ पैर सलामत होंगे। इसको ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कभी भी ये मेरी बेटी के पास ना भटके। मनु आ मेरे साथ। जाऊंगी हाथ काट कर फेंक देंगे तो सर के बल जाऊंगी, सर काट कर फेंक देंगे तो भी मेरा जिस्म तड़प तड़प कर राजा के पास जाने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। फिर लिया उस हरामजादे का नाम। अभी तक तो मैंने उसकी हड्डियां तोड़वाई हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं है तो उसकी बोटी बोटी काट के रख दूंगा। आप मेरे राजा को छू कर तो देखिए, आपको जिंदगी भर अफसोस रहेगा। अच्छा, बेटी बाप को धमकी दे रही है? क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी तू? अब देखना चाहते हैं क्या कर सकती हूँ मैं। आप तो मेरा आंसू बहता नहीं देख सकते थे, आज मेरा खून बहता देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। मधु बेटी, बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, क्या वो जाने के लिए राजी हो जाएगी? अरे जाने के लिए राजी नहीं होगी तो मैं उसे जबरदस्ती ले जाऊंगा,
बात कर ली उसने अपनी मनमानी। वो समझती है कि मैं उसका पागलपन देख के पिघल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर उस कमीने हजारी प्रसाद के बेटे से अपनी मधु की शादी नहीं होने दूंगा। मैं उस हरामजादे से अपनी बेटी को इतना दूर ले जाऊंगा कि वो तो क्या उसका ख्याल तक नहीं पहुंच सकेगा। वहां टिकट लाए तुम? जी अंकल। फ्लाइट कितने बजे है? ठीक 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद? यहाँ एक एक मिनट भारी पड़ रहा। शंकर से कहो मधु का सामान पैक कर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मधु को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ए, किधर जा? अजय तुम आ गए। मैं तो हिम्मत हार बैठी थी। पापा मुझे तुमसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उनके साथ नहीं जाऊंगी राजा, उनके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं मधु, तुम मत घबराओ। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। राजा, राजा वो लोग आ गए। राजा मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं छुपा लो राजा। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के कमरे में घुसाया? तेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से ने मेरी बेटी को छुआ है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज तेरी मौत तुझे यहाँ लाई है खींच के, तेरी लाश निकलेगी घर से। I'll kill you, you bastard! I'll bloody kill you! चलाइए गोली पापा, अब हमें कोई डर नहीं। हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हम साथ जी नहीं सके तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। जो कुछ भी हुआ उसे भगवान की मर्जी समझकर भूल जा, इसे माफ कर दे। आखिर ये भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा ही है। अरे मां, जिसे मैं जिगर का टुकड़ा समझता था उसने मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसे मैं आंख का तारा समझता था उसने बदनामी का काजल बनके मेरा मुंह काला कर दिया। इससे कहिए चली जाए यहां से, मैं समझ लूंगा कि मेरी बीवी की तरह मेरी बेटी भी मर चुकी है। राजा अभी तक नहीं आया। अरे विट्ठल जी, तुझे कुछ बोल कर गया? कब तक आएगा? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं बोला। शाम होने को आई। Thank you.
और कोई रास्ता नहीं था मां, मधु और मैंने शादी कर ली। सुखी रहो, अच्छा ही किया तूने, जिससे प्यार किया उसे जीवन साथी बना लिया। तुम लोग ठहरो। विठल जी, आरती लेके आना। तो अभी लाया माँ जी। ये तुम किसकी आरती उतार रही हो सावित्री? इसकी, जो सांप की बेटी है जिसने मुझे डसा है, या मेरे इस प्यारे कुलदीपक की जिसने मेरी उम्मीदों को राख करके मेरे दुश्मन की बेटी की मांग में सिंदूर भरा है? ये दोनों इस घर में नहीं रह सकते, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रहे हैं? राजा हमारा इकलौता बेटा है। तो फिर समझाओ अपनी इस इकलौती औलाद को कि अगर इसको इस घर में रहना है तो इस लड़की को वहीं फेंकना पड़ेगा जहाँ से उठा कर लाया है। मैं मधु को नहीं छोड़ सकता। तो फिर तुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। चलो मधु। राजा, राजा ठहरो। जाने दे इसे। हम समझेंगे हमारा कोई बेटा नहीं था, हम भी औलाद थे। जा, आज से तुझे मैंने अपने घर, अपनी जायदाद और अपनी जिंदगी से बेदखल किया। जा। आज मुझे पता लगा है कि मैं एक ऐसे तंगदिल इंसान का बेटा हूं जिसके पास अपने बेटे को देने के लिए आशीर्वाद भी नहीं। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस चौकट को तुम ठोकर मारकर जा रहे हो, एक दिन अंदर आने के लिए उसी चौकट पर तुम्हें अपना माथा रगड़ना पड़ेगा।